हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं लाजवाब पालक के पकौड़े, एकदम क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको लेना है यहाँ पर पालक, मैंने यहाँ पर है ना 250 ग्राम पालक ली है और उसे 2 से 3 पानी अच्छे से है ना धो दिया है। अच्छे से आपको ना इसे रगड़ रगड़ के धोना है हाथों से, ज़्यादा ना रगड़े नहीं तो है ना इसके अंदर छेद भी हो सकते हैं। अच्छे से धोने के बाद है ना इसे आप है ना थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें, मतलब थोड़ा सा इसका पानी निकल जाए। और फिर आपको क्या करना है, इसकी सारी डंडियों को है ना हटा देना है। देखिए एकदम इस तरीके से सारी डंडियों को हम पालक की हटा लेंगे इसी तरीके से और एक साइड रखते जाएंगे। अगर आपके पालक बड़े पत्ते के तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पालक छोटे पत्ते के तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलते हैं पालक को काटने के प्रोसेस पर। तो आप ऐसे छोटे छोटे इसको है ना से अच्छे से बारीक बारीक काट लीजिए, जिससे ना जो पालक के पकौड़े बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत की नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सारे पालक मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, एकदम बारीक बारीक, एकदम अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, अगर आप चाहो तो है ना इसे इस स्टेज पे वापस एक बबार वॉश कर सकते हो। फिर हम इसके अंदर 2 कप बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद इसके अंदर मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। और फिर इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। फिर इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच हमें डालना है, फिर इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालना है, 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का डाला है। आप चाहो तो है ना मिर्ची कम या ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और मैंने जो घर में नॉर्मल यूज़ वाला चम्मच होता है ना, बस उसी से ये सारे मसाले डाले हैं। फिर मैंने यहाँ पर है ना 1 चम्मच अजवाइन ली है, इसे भी ऐसे हाथों से क्रश करके इसे भी डाल दिया है। इसे भी डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मैं 1 हरी मिर्च कटी हुई डालूँगी। फिर इसे आप ना हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चम्मच से ना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है इसलिए मैंने यहाँ पर है ना हाथों का यूज़ करा है। अच्छे अच्छे से ना इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 पिंच मैंने अमचूर पाउडर की डाली है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब चलते हैं हमारे फ्राई करने के प्रोसेस पर। तो मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पकौड़ों के लिए और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बनेंगे आपके, एकदम अच्छे और क्रिस्पी, एकदम हेल्दी पकौड़े बनने वाले हैं। तो देखा आपने ये इन पकौड़ों को बनाना कितना इजी था, एकदम इजी स्टेप्स के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। एकदम ईजी से और इंस्टेंट सी रेसिपी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं और बारिश के मौसम में तो ज़रूर बना के खाइए। तो देखिए इसी तरह हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं और इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हरी चटनी से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो जल्दी से बनाइए इन पकौड़ों को और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।